सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन 2017 में मैंने टी फाउंडेशन सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की थी और इस काम के लिए मतलब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है, फर्स्ट लेडी अवार्ड, क्योंकि ये डिजिटल सैनिटरी पैड बैंक है। और मैं चाहती हूँ कि हर समाज की हर स्त्री को मेंस्ट्रुअल हाइजीन समझ में आए, वो सैनिटरी पैड का यूज़ करें और इस बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारे देश में लगभग 85% जो लेडीज़ है उनको आज भी सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है या तो अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन हमें इस बारे में अवेयरनेस इसलिए करना है कि बहुत सारी लेडीज जो हाइजीन के बारे में जानती नहीं है, मेंस्ट्रुअल मतलब जब पीरियड होते हैं और फिर कपड़ा यूज़ करना या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करती है कि उससे सर्विकल कैंसर होता है, और इस कैंसर से बचने के लिए हमें हम लेडीज़ को आह्वान करते हैं कि आप इसके बारे में सोचो, समझो और आप स्वच्छता रखो। मासिक पाए जब भी आती हैं, पीरियड्स आते हैं, तब आप स्वच्छता रखो, अवेयरनेस करो और सैनिटरी पैड जैसे यूज़ करके सर्विकल कैंसर से खुद को बचाओ। एंड जैसा कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि हम मैडम को नेशनल लेवल पर देखना चाहते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर बहुत ही शांत तरीके से काम कर रही है अपने एरिया के, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, तो हम क्या कुछ स्ट्रेटेजी देखेंगे आपको नेशनल लेवल पर जाते हुए? ये आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, पूरा सोशल कॉज है और मैं चाहती हूँ कि राजनीति के आगे जाके सिर्फ हमारी जो महिलाएं हैं 50% इसके बारे में सोचना, इनके बारे में काम करना, इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मुझे लगता है आज का दिन यही सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत बड़ा है। एक लास्ट में हर वर्ग के लोगों को हर जगह पर ये सैनिटरी पैड पहुँचे, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग होगी आपने? हम बहुत सारे स्कूलों को देते हैं, हर महीना फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं और अवेयरनेस भी करते हैं, और काफ़ी महिलाएं जो कि जो मतलब आर्थिक इससे लेना नहीं ले नहीं सकते, जैसे ऑरेंटेशन कार्ड जिनके पास है उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ले सकते, तो उन सारी महिलाओं को आदिवासी पाड़े में हम लोग जाके खुद देते हैं और हर महीना रेगुलर देते हैं। 118 स्कूल से हम जुड़े हैं और बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ी है इस कॉज की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस बहाने वो सोचेगी और पैड बाबा यूज़ करना सीखेगी और एक अवेयरनेस में पार्ट भी लेके दूसरी जो महिलाएं उनके साथ भी काम करके हुए अवेयरनेस करती जाएगी।